चला वेळ दौडू नका, प्लीज सामन्याला सुरुवात करायची आहे। ए सनी चाललास काय? एक धावत झाली डॉट बॉल पप्पुडी स्ट्राइक एंड वरती धावांचा श्री गणेशा होतोय। धाव संख्या झाली ती एक नतरी चेंडू होतोय। बघायचं पुन्हा एकदा साही कवर्सच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु बॅटची कडा घेतली आहे। एक धाव येते, दोन धावा झाल्यात। अविनाश अवी या टोपण नावाने ओळखला जाणारा हा खेळाडू बघायचंय पुन्हा एकदा साई ओ यॉर्कर चेंडू होता अप्रतिम कलेक्ट केला त्याला। एक धाव येते, जमिनी लगत फटका मारलाय। अजूनही या षटकातील दोन चेंडू शेष असतील। ओ पुन्हा एकदा ऑब्रेक पद्धतीचा चेंडू होता, टप्पा पडला, चेंडू आतमध्ये आणला, कुठेतरी वेट करून खेळावं लागलं पप्पुडी यांना। जितेंद्र कालच्या सत्रामध्ये अप्रतिम अशी कामगिरी केली पप्पुडी यांनी। ताकदवर असा राणीबाग संघामधून खेळणारा हा खेळाडू पप्पुडी नॉन स्ट्राइक एंडला पाहायला मिळतो। तर स्ट्राइक एंड वरती अवी या नावाने ओळखला जाणारा खेळाडू, दोन मोठे फलंदाज आहेत याच राणीबाग विभागातले। लाजवाब फटका, कवरच्या दिशेने मारलेला फटका, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता परंतु त्याला चांगलं टायमिंग केलंय आणि दोन धावा येत आहेत। एक षटकाखेर धाव संख्या झाली ती सहा। अप्रतिम षटक टाकलं साईन यांनी देखील, परंतु या ग्राउंडमध्ये एक रन हा देखील खूप इम्पॉर्टंट आहे। कारण का या स्पर्धेचा मोठा नियम आहे तो कंपल्सरी चेस।
आशीष आशीष येतो वैयक्तिक पहिला ओव्हर संघासाठी दुसरं षटक घेऊन. आणि या आरपीएल 2021 मध्ये जे आपण कोल्ड ड्रिंक्स पितो आहे, ज्या थंड पेय पितो आहे 100% कोकोनट वॉटर, हे स्पॉन्सर केले ते महेश जी पवार आणि दीपक जी राठोड यांनी. धन्यवाद, त्यांचा देखील मनपूर्वक आभारी आहोत आम्ही. अप्रतिम चेंडू होता, टप्पा पडला, चेंडू आतमध्ये आणला, डॉट चेंडू होतो यस्टनच्या मागे. यस्टी रक्षक भरत लाजवाब यस्टी रक्षण करतायत. पप्पुडी पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची कडा लागली, चेंडू झाडाला लागून आतमध्ये आला. एक धाव पूर्ण होते, धाव संख्या झाली ती 7. अजूनही 4 चेंडू शेष असतील या दुसऱ्या षटकातील. पुन्हा एकदा अवी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बघायचं चेंडू खाली, परंतु चेंडू गेलाय डिक्लेअर झोन मध्ये, चेंडू गेलाय. पंच कळवतात आम्हाला. येस, एक धाव मिळेल घोषांकित क्षेत्रात. चेंडू गेलाय एक धाव, धाव संख्या झाली ती 8. बिनगडबाद या षटकातील चौथा चेंडू, बघायचं अवी. ओ पॉइंटच्या दिशेने मारलेला फटका, परंतु डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेला. एक धाव येते, 9 धाव संख्या संघाची होते राणीबाग बीएड्स या संघाची. अवी आणि जितेंद्र उर्फ पप्पुडी लाजवाब फटकेबाजी करतात, कुठेतरी जबाबदारीने काम करतात आपल्या संघासाठी. ओ पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडू होता, परंतु लेग साइडच्या झोन मध्ये मारलेला फटका, डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू गेलाय. धाव संख्या 2 ने वाढते, धाव संख्या होती ती 11. अजूनही एक चेंडू शेष असेल या षटकातील. पुन्हा एकदा अवी, शेवटचा चेंडू या षटकातील, बघायचं काय करतात अवी गोलंदाज. ओ टप्पा पडला, चेंडू आतमध्ये आणला, अवी यांना काही कळालं नाही. चेंडू आणि निर्धाव चेंडू होते 2 षटकाखेर, धाव संख्या झाली ती 11. बिनगडीबाद बघायचं आता वैयक्तिक आणि संघासाठी कोण तिसरं षटक घेऊन येते. राणीबाग पँडास या संघाकडून बघायचं कोण. आणि मात्र आता वैयक्तिक दुसरं व संघासाठी तिसरं षटक घेऊन येतील ते साईराज. आणि आता मात्र स्ट्राईक एंड वरती असेल ते जितेंद्र, जितेंद्र उर्फ पप्पुडी. समोर मारलेला फटका, अप्रतिम फटका पप्पुडीच्या बॅट मधून, चेंडू सीमारेषा पार जातो, षटकार 6 धावा. लाजवाब फटका, पप्पुडी ब्रँडेड फटका आपण दाखवतो, टिपिकल शॉट होता, अप्रतिम फटका पप्पुडीच्या बॅट मधून होतोय. साईराजच्या अगेन्स्ट मोठा फटका मारलाय पप्पुडीने. मी पहिलेच सांगितलं एक मोठा खेळाडू आहे या ग्राउंड मधील पप्पुडी. आणि मात्र आता मात्र फ्लिक करतायत, एक धाव चोरून काढतायत, त्यांना माहिती आहे कुठेतरी संयम ठेवावा लागेल. चांगला चेंडूचा सन्मान करणं आणि खराब चेंडूचा समाचार करणं हे देखील त्यांना चांगलंच माहित आहे. अप्रतिम फटका जितेंद्र, धाव संख्या झाली ती 18. शॉर्ट पिच चेंडू होता, बघायचं चेंडू खाली, फिल्डर येतो परंतु गचाळ क्षेत्ररक्षण, बघायचं एक धाव पूर्ण होते, दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. अवी
एक लाजवाब फटकेबाजी करते अजून तीन चेंडू शेष असतील या तिसऱ्या षटकातील धाव संख्या झाली होती 20 लाजवाब फटका परंतु नशिबाचा खेळ आहे या ग्राउंड मध्ये एक धाव होते झाडाला लागून चेंडू आतमध्ये येतो कदाचित झाडाला लागला नसता तर कदाचित दोन धाव मिळाले असत्या परंतु एकच धाव पूर्ण होते आता मात्र स्ट्राइक एंड वरती ज्याच्या बॅट मधून षटकार निघाला तोच फलंदाज जितेंद्र पुन्हा एकदा स्ट्राइक एंड वरती बघायचंय अजूनही दोन चेंडू शेष ओ यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू होता साईराज यांचा त्यांना माहित आहे आता जर कदाचित चान्स दिला तर पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करेल त्याच्यामुळे यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू टाकला अप्रतिम कमबॅक करतायत साईराज शेवटचा चेंडू शेष असेल या तिसऱ्या षटकातील बघायचंय अभि काय करतात या शेवटच्या चेंडू वरती लाजवाब खेळी करतात अभि आणि जितेंद्र शॉर्ट पिच चेंडू होता शॉर्ट पिच चेंडू लेग साइडच्या दरम्यान मारलेला फटका दोन धावा सर आम्हाला कळवतात धाव संख्या झाली ती 24 तीन षटका केर धाव संख्या झाली होती 24 बिंबात एक लाजवाब अशी पार्टनरशिप चालू आहे जितेंद्र आणि अवि यांच्यामध्ये दोन उदयोन्मुख खेळाडू याच ग्राउंड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत अंकुश वैयक्तिक पहिलं व संघासाठी चौथं षटक घेऊन येतील ते अंकुश 2019 आरपीएल मध्ये याच खेळाडूने हॅट्रिक घेतली तोच गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते अंकुश बघायचं तेवढाच ताकदवार खेळाडू जितेंद्र स्ट्राइक एंड वरती बघायचंय कवर्सच्या दिशेने मारलेला फटका एक सन्मानजनक फटका होता त्यांचा कळत आम्हाला घोषित क्षेत्रामध्ये आता दोन धावा होतात अप्रतिम फटका 26 धावा होतात एक लाजवाब फटका एक चांगली फलंदाजी आपल्या प्रेक्षकांना जितेंद्रच्या बॅट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु डायरेक्ट चेंडू गेला बघायचं पंच यस पंच कळवलं आम्हाला दोन धावा होतात दोन दोनच्या सरासरीने धावांचा डोंगर उभारण्याचा प्रयत्न करतायत आपली टीमसाठी राणीबाग बियर्स आणि राणीबाग पेंटास या दोन बलाढ्य संघांमध्ये हा सामना चालू आहे बघायचा आहे आता मात्र लेग साइडच्या दरम्यान चेंडू टाकला होता एक धाव चोरून काढतात धाव संख्या झाली ती 29 एक चांगली पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळते या मैदानामध्ये बघायचं अजूनही तीन चेंडू शेष शॉर्ट पिच चेंडू होता शॉर्ट पिच चेंडू वरती मोठा फटका मारलाय अभि याच्या बॅट मधून पंच आम्हाला कळवतात घोषांकित क्षेत्रात चेंडू गेलाय धाव संख्या येते ती 2 ने धाव संख्या वाढते धाव संख्या झाली होती 31 अप्रतिम चेंडू चौथ्या षटकातील आता 2 चेंडू शेष असतील बघायचंय अवि या दोन चेंडू मध्ये किती धावा गोळा करतात आपल्या संघासाठी बघायचंय पंच कळवतात आम्हाला यस वायर चेंडू होतो व्हाइट बॉल येतोय अंकुश कुठेतरी आता भिरकटतायत कुठेतरी लाईन अँड लेंथ चुकते बघायचंय पुन्हा एकदा कमबॅक करतील का अंकुश अवि शॉर्ट पिच चेंडू होता मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न चेंडू हवे ते चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक गणेश आणि अप्रतिम अशी झेल पकडले त्यांनी आणि खेळाडू बाद होतो पहिला हादरा राणीबाग बियर्स या संघाला पहिला फलंदाज बाद होतोय त्याच्या जागी अभिच्या जागी आता फलंदाज येतो होतो स्वप्नील येवले
अप्रतिम फटकेबाजी केली, 12 धावा केले आपल्या संघासाठी। अवे यांनी लाजवाब फटकेबाजी अभिसाठी आणि त्याची जागा घेण्यासाठी आता येतात ते स्वप्नील एवले। बघायचं आपल्या संघासाठी काय करतात। आता मात्र स्ट्राइक एंड वरती जितेंद्र, शेवटचा चेंडू, हो पुन्हा एकदा सिंगल घेतले, कुठेतरी शेवटचा चेंडू होता, त्यांना माहिती आहे आता यानंतर हाणामारीचा षटक असेल, कदाचित आपल्याकडे स्ट्राइक घ्यायची याच माइंडने खेळतात। अप्रतिम असं फलंदाजी करतात जितेंद्र, एक मोठा फटका आलाय त्यांच्या बॅटमधून या इनिंग मध्ये आणि त्यांच्या जोडीला आहे तो स्वप्नील एवले। धावसंख्या झाली ती 33, एक गडी बाद, अजूनही 6 चेंडू या षटकातील शेष असतील बघायचं। आणि आता मात्र गोलंदाजी मार्गवरती येत आहेत ते भरत। भरत बघायचंय जितेंद्र स्ट्राइक एंड वर, तो एक धाव काढण्याचा प्रयत्न, परंतु आतमध्ये चेंडू आला, एक धाव पूर्ण येते बघायचंय। धाव संख्या झाली ती 34, 34 धावा। आता मात्र स्ट्राइक एंड वरती असतील ते स्वप्नील भालचंद्र एवले। बघायचंय काय करतात आपल्या बॅट मधून, शेवटचे या इनिंग मधले 5 चेंडू शेष असतील आणि त्यांची मॅच बघण्यासाठी त्यांचे वडील देखील इथे आलेले, त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक असं स्वागत करतो। एवलेच्या बॅट मधून लाजवाब फटका, चेंडू बघायचं सीमा रेषा पार, षटकार अप्रतिम फटका, 6 धावांसाठी येतोय लाजवाब फटकेबाजी। एवलेच्या बॅट मधून येते स्वप्नील एवले ब्रँडेड फटका, पहिला चेंडू कदाचित डगआउट मधूनच सेट होऊन आलेत की मला काहीतरी आपल्या संघासाठी करायचं आहे, काल माझ्याकडून जी चुकी झाली ती आता मला कुठेतरी सॅक्रिफाईस करावी लागेल। तर मोठा फटका, अप्रतिम फटकेबाजी करताय स्वप्नील एवले, वडील देखील खुश होत आहेत। हो पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, झाडात चेंडू गेला, बघायचंय किती धाव मिळत आहेत, एक धाव पूर्ण होते, 2 धावा देखील पूर्ण होते, काय रनिंग द बिटवीन चालू आहे मैदानामध्ये जितेंद्र आणि स्वप्नील एवले। अप्रतिम धाव संख्या झाली ती 42, 42 धावा, अजूनही 3 चेंडू शेष असतील, बघायचंय काय करतायत एवले। समोर मारण्याचा वारंवार प्रयत्न होतोय परंतु बॅटची काढा जाते, बॉल फिरतोय, यष्टी रक्षकाला काय समजलं नाही, एक धाव येते आणि आता मात्र स्ट्राइक एंड वरती जितेंद्र। दोघांच्या बॅट मधून एक मोठे फटके आपण पाहिले, जितेंद्र यांनी देखील एक षटकार मारला, तर स्वप्नील येवले यांनी देखील एक मोठा फटका मारलाय। धाव संख्या झाली ती 43, या इनिंग मधले 2 चेंडू शेष असतील, 2 बॉल्स रिमेनिंग। समोर मारण्याचा प्रयत्न, लाजवाब फटका जितेंद्रच्या बॅट मधून, चेंडू गेलाय सीमारेषा पार, षटकार 6 धावांसाठी। अप्रतिम अशी खेळी दाखवतात, मीच याच ग्राउंड मधला आहे मी, इथेच माझी दादागिरी आहे। जबरदस्त अशी फलंदाजी करतायत जितेंद्र, एक दुसरा मोठा फटका येतो जितेंद्रच्या बॅट मधून, बघा शेवटच्या चेंडूवर काय होतंय, पुन्हा एकदा लाजवाब अप्रतिम, अप्रतिम अशी फटकेबाजी, मोठा फटका येतो चेंडू सीमारेषा पार आणि या षटकार मारल्याबद्दल विजय देसाई यांच्याकडून जितेंद्र यांना 1001 रुपयाचं रोख रक्कम पारितोषिक दिलं जाणार आहे। धन्यवाद, एक लाजवाब फटकेबाजी पप्पूरी। आणि या टूर्नामेंट मधली आरपीएल मधली 2021 मधली ही पहिली अर्धशतकाची पारी खेळली होती राणीबाग बुलेट्स या संघाने, 55 धाव संख्या झालेली आहे, 56 धाव संख्या करावी लागेल कंपल्सरी चेस, या स्पर्धेचा नियम आहे लाजवाब फटकेबाजी।
अप्रतिम अशी फटकेबाजी केली जितेंद्र यांनी, एकदा जोरदार टाया झाला पाहिजे, 16 चेंडूंमध्ये 31 धावांची फटकेबाजी केली, एकदा जोरदार टाया, धन्यवाद। यानंतर आमचे गुरुवर्य समालोचन करतील पांडे सर, धन्यवाद। धन्यवाद सनी। और बीएस और पांडास दोनों के लिए ये करो या मरो की स्थिति, दोनों ही टीमें अपने एक एक मुकाबले जीतकर एक एक मुकाबले हारकर यहाँ तक पहुँची हैं और ये लीग मैचेस का ये आखिरी मैच, और दोनों ही टीमों के लिए डू और डाई की ये सिचुएशन है। और बीयर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि टॉस जीतने वाली फील्ड टीम पिछले 3 दिनों से ये क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, हमने ज़्यादातर यही देखा है, 90% ओकेशन पर यही देखा है कि टॉस जीतने वाली टीम उसने 3 बॉल में 9 किए और अविनाश ने 12 किए, फील्डिंग लेना पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर बीयर्स ने अपने उस निर्णय को सही साबित किया और एक बहुत ही बड़ा स्कोर इस क्रिकेट प्रतियोगिता की पहली 50 55 रन बनाए। अब ये मुकाबला जीतने के लिए पांडास को 56 रन बनाने होंगे, अब तक 56 रन बनाने होंगे ये मुकाबला जीतने के लिए, रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। और चूंकि ये हाईएस्ट स्कोर है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के उस मैच का जिसमें 434 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे और पीछे पीछे साउथ अफ्रीका ने वो 434 रन जोहानिसबर्ग मैदान पर चेस भी किए थे। तो ये जरूरी नहीं कि एक बार हाईएस्ट स्कोर बन गया तो आप एक सेफ जोन में पहुंच गए। जितेंद्र ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, अपने 15 गेंदों में उन्होंने 31 रन बनाए और स्वप्निल ने 3 गेंदों में 9 रन बनाए। इन दोनों ही बल्लेबाजों के जोर पर यहाँ पर 55 रन तक पहुंचने में सफल हुई बीयर्स डरीबाग बीयर्स की टीम। अब पांडास को भी उतना ही जोर लगाना होगा इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों के लिए मौका तो जरूर है और बीयर्स ने अपना 55 रनों का टारगेट एक विशाल लक्ष्य रख के अपना जो मादा है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेश किया है और एक बहुत ही विशाल स्कोर यहाँ पर बनाया है 5 ओवर में। अब देखना है कि रानीबाग पांडास के पास भी मौका जरूर होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हमने देखा कि रानीबाग बीयर्स की टीम ने की, अगर उसी तरह की बल्लेबाजी रानीबाग पांडास की टीम भी करती है तो इस क्रिकेट प्रतियोगिता में सुपर सिक्स में पहुंचने के लिए उनके भी दरवाजे अभी भी खुले हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता मित्रों, बहरहाल हम आगे 25 मिनटों तक क्रिकेट का आनंद लेंगे। बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्रिकेट दिखाया अब तक इस मैच में रानीबाग बीयर्स की टीम ने। अब बारी है रानीबाग पांडास की और रानीबाग पांडास के दोनों ही बल्लेबाज आकाश और गणेश एक जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ये हम जानते हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। देखना है अब राकेश पहला ओवर लेकर आएंगे बीयर्स के लिए। यस सर, सर कौन है बोलो तो है तुम्हारा, हाथ दाखो, मैच स्टार्ट करते हैं। यस स्टार्ट द मैच, थैंक यू। हमारे मैनुअल स्कोरर युवराज भारेलाव सर, जो कि टेनिस क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम, फेडरल विभाग का ये खिलाड़ी, अपने जमाने में बड़े बड़े सुरमाओं को पस्त करने वाला एक खिलाड़ी, आज इस मैदान पे कल हमने देखा कि एम्पायरिंग भी कर रहे थे, आज स्कोरिंग भी कर रहे हैं। गिरीश कोसरेकर जी, अनिल जी, आनंद जी, आनंद पवार, आनंद शेड़के, रवि पवार, उमेश पाटकर जी, सुबोध घरसे जी, इन सभी लोगों ने यहाँ पर योगदान दिया है। कल से हम देख रहे हैं बहरहाल यहाँ पर खाता खुलता हुआ, आकाश ने पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया और टीम का भी खाता खोला, अपना खुद का भी खाता खोला, जबरदस्त तरीके से इस मैच में 55 रन बनाए हैं। अब इस मैच को पांडास को जीतने के लिए अब तक 56 रनों की दरकार है। और ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हर गेंद पर रन आना जरूरी है, हर गेंद पर आप सिक्सर नहीं उड़ा सकते, हर गेंद पर आप बड़े स्ट्रोक नहीं खेल सकते, तो कम से कम स्कोरबोर्ड जो
हर गेंद पर टिकिंग रखना होगा, हर गेंद पर सिंगल डबल रन लेना काफी जरूरी, बीच में ढीली गेंदें आए तो आप उसको नसीहत दो। तो कल से ही हमने देखा है कि जिस टीम ने यह रणनीति अपनाई वो बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल होती है। राकेश उतनी ही अच्छे गेंदबाज, अच्छी लाइन से, टाइट लेंथ से गेंदबाजी करते हुए, रन उनके पास काफी है, लेकिन सीनियर क्रिकेटर है सचिन प्रभु, स्लीप में फील्डिंग करते हुए, स्लीप और गली के बीचों बीच। ओहो क्या बात है, राकेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बढ़िया गेंदबाजी, टाइट लाइन से, टाइट लेंथ से गेंदबाजी करते हुए, थोड़ा सा वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है इस लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज के गेंदबाजी में। चार गेंदों में अब तक सिर्फ दो रन खर्च किए हैं। अच्छा ओवर चलता हुआ रारीबाग बियर्स के दृष्टिकोण से, एक रन मिलेगा इस पांचवी गेंद पर। समय रहते आपको काम करना होगा, समय रहते ही आपको रनों की गति को एक्सेलरेट करने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ जैसा स्कोर, एक एवरेस्ट यहां पर तैयार किया है 55 रनों का, वो 55 रन चेस करना, भगत सिंह मैदान पर तो हम ये कह सकते हैं कि भगत सिंह मैदान पर वो चेस हो सकते हैं, लेकिन यहां पर 55 रन चेस करना उतना आसान नहीं, क्योंकि और इस तरह के स्ट्रोक अगर लगे, इस तरह के अगर स्ट्रोक लगे तो 55 रन भी कोई मुश्किल बात नहीं है मित्रों। क्या बात है, आखिरी में ये ओवर काफी अच्छा जा रहा था, आखिरी में आखिरी गेंद पर सिक्सर लगा के यहां पर स्कोर जो है वो 9 runs। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय जा पहुंचा है 9 रन, और गणेश प्रभु ने जो अभी अभी एक सिक्सर लगाया है उनके लिए इनाम की घोषणा हुई है। अभी उनके लिए इनाम की एक घोषणा हुई है कि यदि उन्होंने अब और एक सिक्सर लगाया, जो उन्होंने लगा चुका है उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो लगाएंगे उसके ऊपर ₹1000 का पारितोषिक विजय देसाई जी की तरफ से। और गणेश नायक जी इस क्रिकेट प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर, ये दोनों ही राम लक्ष्मण की जोड़ी, इस RPL के शिलेदार, हम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका लेकर आए हैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता का, मैराथन क्रिकेट प्रतियोगिता का ये तीसरा और अंतिम दिन। ओह क्या बात है, बहुत ही अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, गेंद शोल्डर को छूते हुए, विकेट कीपर को चकमा देते हुए, स्लीप को चकमा देते हुए, और एक रन 22 के रूप में मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 2.5 अंकों तक पहुंचता हुआ 10 रन। तो पानी खाली दो। दस रन हर ओवर में, मेरे ख्याल से अब वीरेंद्र पांडा को एक रणनीति यह अपनानी चाहिए कि हर ओवर में कम से कम एक सिक्स लगे। यदि हर ओवर में एक सिक्स लगता है तो जब तक सिक्स लगते रहेंगे तब तक वो मैच में बने रहेंगे, क्योंकि हर गेंद पर रन आना मुश्किल होता है इस मैदान पर। हर गेंद पर आप सिक्सर भी नहीं उड़ा सकते, हर गेंद पर आप सिंगल भी नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाकर खेलना होगा। यह अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल स्लॉट में ये गेंद थी, शायद यहां पर नाराज होंगे बल्लेबाज अपने आप से, ये गेंद सीमा रेखा के बाहर भी पहुंचा सकते थे, लेकिन बैट गेंद की लाइन में नहीं चलाई, और बहरहाल एक थोड़ा सा नाखुश होंगे। आकाश थोड़ा सा नाखुश होंगे, लेकिन मौके बहुत आएंगे अभी। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या जबरदस्त यहां पर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एक गेंद आगे थी और दूसरी गेंद पीछे, आगे पीछे आगे पीछे करके बल्लेबाजों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं गेंदबाज। नैनेश, प्रतिभाशाली युवा गेंदबाज नैनेश, इस बार गेंद थोड़ी सी डाउन द लेग साइड जरूर थी। वी हैव टू वेट फॉर अंपायर सिग्नल। अंपायर रवि पवार का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का,
आप खड़े रहिए, आप समझदारी भरी क्रिकेट खेलिए, आपको इस तरह के मौके भी मिलते रहेंगे। बढ़ता हुआ स्कोर देखिए, 14 रन हमारे स्कोरर युवराज सर बता रहे हैं कि 14 रन हो चुके हैं और इस ओवर में अभी भी दो गेंदे शेष। ओहो, और ये एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, इस बार दिनेश ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, 15 हो गया, एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा 15 रन। बहरहाल पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिक्सर लगा था और अब ये आखिरी गेंद आई है, क्या कहेंगे सनी, क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप? यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, हर एक ओवर में एक बड़ा हिट आना बहुत जरूरी है रानीबाग पांडास के दृष्टिकोण से। और ये अच्छा स्ट्रोक था लेकिन गेंद पेड़ पर टकरा के वापस मैदान में आई, जहां दो रन मिलने चाहिए थे वहां पर एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। दो षटक संपले, दो षटकाचे समाप्ति अखेर, बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 16। रानीबाग मित्र मंडळ द्वारा आयोजित या रानीबाग प्रीमियर लीग चषकामध्ये आमच्या विनंतीला मान देऊन आमच्या सर्वांचे लाडके आपल्या सर्वांचे आधारस्तंभ नेहमीच आपल्या आपल्याला मार्गदर्शन करणारे नगरसेवक आहेत ना ते, नगरसेवक आहेत ना विजय देसाई सर। खूपच सुंदर असा चेंडू होता, त्यावरती फक्त एक धाव, या एक धाव सकट धाव संख्या जाऊन पोचली आहे ती 17 धावा। अतिशय अटीतटीचा सामना होऊ शकतो, जर काय एक दोन मोठे स्ट्रोकची गरज आहे या ठिकाणी राणीबाग पांडाला, या मॅचमध्ये 16 चेंडूंमध्ये 39 धावांची गरज आहे, फटकेबाजी करण्याची गरज आहे, थोडेसे मोठे फटके मारण्याची गरज आहे राणीबाग पांडा या संघाला या सामन्यामध्ये। खूपच सुंदर अशी गोलंदाजी आणि राणीबाग पांडास यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए थोड़ा सा पेनिट्रेट करने की जरूरत है, संघर्ष क्षमता का परिचय देना जरूरी है। 55 जैसा विशाल स्कोर यहां पर, और आज देखिए किस प्रकार से इस डू ऑर डाई मैच में, और ये आसान सा कैच खिलाड़ी ने उस वहां पर कोई नहीं गलती की और सीधा फील्डर के हाथों में, इस प्रकार से ये पहला विकेट गिरा, प्रेशर विकेट मैं कह सकता हूं क्योंकि रिक्वायर्ड रेट निरंतर बढ़ रहा था। एक स्ट्रोक जरूर आया 6 रनों का, लेकिन उसके बाद कुछ बड़े स्ट्रोक देखने को नहीं मिले और उसका प्रेशर था गणेश के ऊपर और 17 के ऊपर खतरा हो चुका है। 17 रन पे ये पहला विकेट गिरा। नवीन फलंदाज न्यू बैट्समैन इन दर्शन दर्शन स्ट्राइक पर, जबरदस्त आयोजन या
राणीबाग मित्र मंडळाद्वारे आयोजित या क्रिकेट स्पर्धेचा आपण गेली तीन दिवस आनंद लुटतोय। आजचा शेवटचा व अंतिम दिवस या मॅरेथॉन क्रिकेट स्पर्धेचा। पहिल्या दिवशी कोविड वॉरियर्सला या ठिकाणी सन्मानित करण्यात आलं। कस्तुरबा हॉस्पिटल वर्सेस कस्तुरबा हॉस्पिटल नर्सेस वर्सेस बीएमसी टीचरची एक मॅच झाली। त्यानंतर भाईखळा पोलीस स्टेशन व भाईखळा अग्निशामक दल याची एक मॅच या ठिकाणी खेळवण्यात आली। अतिशय एक रंगतदार आयोजन राणीबाग मित्र मंडळाद्वारे आपल्याला या ठिकाणी अनुभवायला भेटलं। राणीबाग मित्र मंडळाच्या माध्यमातून राणीबाग प्रीमियर लीगमध्ये अतिशय प्रेक्षकांचे देखील अल्लोट अशी गर्दी, प्रेक्षकांचा अल्लोट असा प्रतिसाद, उत्स्फूर्त प्रतिसाद आपल्याला या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून बघायला मिळालं। ऑनलाईनच्या माध्यमातून देखील, यूट्यूबच्या माध्यमातून, टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून देखील शेकडो प्रेक्षकांनी या क्रिकेट स्पर्धेचं घर बसले आनंद घेतला। आणि या स्पर्धेमध्ये आमच्या विनंतीला मान देऊन आमचे सर्व सर्वा आमच्या आम्हाला नेहमीच मार्गदर्शन करणारे आपल्या सर्वांचे लाडके माजी नगरसेवक सन्माननीय श्री मनोज जामसुतकर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। तरी राणीबाग मित्र मंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांतर्फे, त्यांच्या कार्यकर्त्यांतर्फे, तसेच या ठिकाणी उपस्थित सर्व खेळाडूंतर्फे व प्रेक्षकांतर्फे आम्ही मनोज जानपूरकर साहेब यांचं हार्दिक सहर्ष सोनेरी स्वागत करीत आहोत। धन्यवाद साहेब, आपण आमच्या या विनंतीला मान दिलात आणि आमच्या या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत, त्याबद्दल राणीबाग मित्र मंडळ आपला सतोष ऋणी आहे। और इस प्रकार से दो विकेट के नुकसान पर 18 रन और कुछ चमत्कार ही बचा सकता है। यहाँ पर राणीबाग पंडास यहाँ पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 56 रनों का टारगेट उनको चेस करना है। अब तक सिर्फ 18 रन बने हैं, 19 रन बन चुके हैं। दिल्ली अभी बहुत दूर है उनके लिए। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। सागर याचा कॉल था। आकाश तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट उन्होंने भी खोया है। तो धीरे धीरे इस मैच पर मैं समझता हूं कि राणीबाग बीयर्स की टीम अपना शिकंजा और मजबूती से कसते हुए अब सिर्फ ताबूत में आखिरी किल ठोकने की जरूरत है। ये नया बैट्समैन भरत है। नहीं बल्लेबाज भरत। हेलो मंडळाच्या विनंतीला मान देऊन आमचे लाडके काका चव्हाण हे सुद्धा इकडे उपस्थित आहेत। त्यांच्यावर त्यांचे सहकारी शेत राजेश तळेकर यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। और बहरहाल एक और विकेट का पतन होता हुआ। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय। तो नयन नॉन सायकल इनवर नैनेश इज ऑन हॅट्रिक। आणि ही टूर्नामेंटची दुसरी हॅट्रिक पूर्ण होताना दिसते आणि झाली। नैनेश यांनी लगातार तीन चेंडूवर तीन गडी बाद करून या क्रिकेट स्पर्धेची दुसरी हॅट्रिक साधताना त्याला यश मिळालेलं आहे। अतिशय सुंदर अशी गोलंदाजी। बॉक्स मधील नामवंत खेळाडू नितेश त्याचा हा छोटा भाऊ। बॅट्समन नेम अंकुश। और ये
आयाराम गयाराम जैसी स्थिति होती हुई यहाँ पर रानीबाग पांडास 55 रनों के पहाड़ तले दबते हुए कुछ भी यहाँ पर बल्लेबाजों ने संघर्ष क्षमता का परिचय नहीं दिया है अभी तक। यहाँ पर एक और एक हैट्रिक और एक कोई आवत है तो कोई जावत है कोई आवत है तो कोई जावत है जो खुल के सामने आवत है वो मल्लिका शेरावत है। तो ये आया राम गया राम तू चल मैं आया चार लगातार चार गेंदों पर चार विकेट और एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए रनों का अंबार तो उन्होंने लगाया ही था अब 0-0 को भी हैट्रिक लगाते हुए क्या बात है। रानीबाग वियर्स पूरी पूरी तरह से शिद्दत के साथ क्रिकेट खेलते हुए जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरे तो इस प्रतियोगिता में आखिरी लीग मैच में इस क्रिकेट प्रतियोगिता का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया और अब जब वो गेंदबाजी में उतरे हैं तो उतना ही अच्छा प्रदर्शन गेंदबाजों के माध्यम से भी देखने को मिलता हुआ तो सर्वांगीण ऑलराउंड प्रदर्शन और उनके फील्डर्स ने भी उनका पूरी तरह से साथ दिया है। हर कैच यहां पर लपके गए हैं कोई कैच नहीं छूटा है फील्डिंग भी काफी अच्छी क्या बात है। बड़ी जबरदस्त तरीके से उभरी हुई ये टीम है रानीबाग वियर्स की टीम एक मुकाबला हारी थी इस मैदान पर लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक और सुपर सिक्स में और ये थोड़ा सा दिशा से भटके ऑफस्ट्रम के काफी बाहर ये गेंद थी अंपायर एमसीए के मान्यता प्राप्त अंपायर रवि पवार जी ने व्हाइट बॉल घोषित किया। इस व्हाइट बॉल के साथ साथ एक रन बढ़ेगा एक रन के साथ साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 20 रन स्कोर पर अब किसी का ध्यान नहीं है एक औपचारिकता ये डू और डाई का मैच था दोनों टीमों के लिए जीतना काफी जरूरी था और ऐसे में जब रानीबाग बेयर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अमूमन यहां पर यह देखा गया है कि टॉस जीतने वाली टीम फील्डिंग करना पसंद करती है लेकिन यहां पर विपरीत यहां पर निर्णय लिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी का लिया हुआ निर्णय वो अपने आप में सही साबित किया 55 रनों का एक विशाल लक्ष्य रखा पांडा के सामने और पांडा इस समय स्ट्रगल करते हुए सिर्फ 21 रन फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस और चौथे ओवर की समाप्ति और चार चार विकेट लेने के लिए मैं समझता हूं कि जोरदार तालियों से यहां पर स्वागत करना चाहिए नैनेश इस क्रिकेट टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक और लगातार चार गेंदों में चार विकेट लेने वाला ये पहला गेंदबाज। शेवटचा षटक शिल्लक है शेवटच्या षटकामध्ये 6 चेंडूंमध्ये किती धावा पाहिजे 34 धावा अतिशय अशक्य असं आव्हान आहे खूप डिफिकल्ट खूप डिफिकल्ट असं आव्हान परंतु क्रिकेट नियमांप्रमाणे आपल्याला 6 चेंडू वाट बघावी लागेल। पहिली गेंद पर मिड विकेट की दिशा से स्कोर लेके दिशा से खेलकर 2 रन हासिल किए बिंदी गेंद चार गेंदे बची हैं इस मैच में एक औपचारिकता एक फॉर्मेलिटी और ये देखिए किस प्रकार से बने ही आसानी के साथ बिल्कुल कोई हड़बड़ाहट नहीं बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है आज यहां पर पर्टिकुलर इस मैच में रानीबाग बियर्स की टीम के माध्यम से विस्फोटक बल्लेबाजी सटीक गेंदबाजी नपीतुली फील्डिंग अच्छी कप्तानी सब कुछ हर चीज यहां पर रानीबाग बियर्स ने यहां पर करके दिखाई है। अब नॉकआउट मैचेस में ये काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनके विरोधी टीमों को 12 टीमों में से इस मैच के बाद 6 टीमें बाहर हो जाएंगी और 6 टीमों के बीच में सुपर सिक्स के मुकाबले यहां पर खेले जाएंगे और सुपर सिक्स के मुकाबलों में 1 नंबर 2 नंबर की टीमें डायरेक्ट फाइनल में जाएंगी
और बचे हुए चार टीमों में फिर से एक बार सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा। तो मैराथन क्रिकेट प्रतियोगिता है, यहाँ पर आपको मौके पे मौके मिलते रहेंगे, लेकिन अब इसके बाद रानीबाग पांडास के पास कोई मौका नहीं होगा। और इस प्रकार से ये मैच और दर्शकों के दिल दोनों ही रानीबाग बियर्स ने जीते हैं, मैं अभिनंदन करूंगा उनका। यहाँ पर रानीबाग प्रीमियर लीग मध्ये रानीबाग मित्र मंडळा द्वारा आयोजित या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सुपर सिक्स मध्ये प्रवेश मिळवलेला आहे तो रानीबाग बियर्स या संघाने। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, जिंकणाऱ्या टीमचा अभिनंदन, हरलेल्या टीमचा देखील कौतुक, खूप खूप धन्यवाद सगळ्यांचे। चला आता आपण स्टेज जवळ वळूया जिकडे आपले प्रमुख पाहुणे मान्यवर सन्माननीय श्री तसेच रानीबाग बियर्स या संघातील तीन कॅचेस ज्यांनी घेतल्या आपल्या संघाला विजय मिळवण्यामध्ये त्याचा देखील मोठा मोठा वाटा होता असा प्लेयर अविनाश साळुंखे। अविनाश साळुंखे यांच्या वडिलांतर्फे त्याला 501 रुपयाचा पारितोषिक देण्यात येणार आहे। तसेच पोडियमवर या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच नैनेश नैनेश यांनी पहिल्या षटकात चार फलंदाज बाद केले व हॅट्रिक पण केली। मॅन ऑफ द मॅच नैनेश जामचंद्र साहेब यांच्या शुभ हस्ते त्यांना मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक मिळत होते। त्याचबरोबर एक टी शर्ट सुद्धा आहे